नमस्कार हम इंडिया के ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं जी जिसका नाम है वट इज इंडिया उसमें हम इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके लिए क्या है इंडिया तो उसी के लिए आज आपसे मिलने के लिए आए हैं तो सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करते हैं कैसा रहा आपको बचपन जिस घर में जन्म लिया उसमें बहुत तरह के अनुशासन थे पढ़ाई के लिए विशेष जोर था और एक छोटे से शहर में जिस तरह से आत्मीयता होती है बसाव होता है बिल्कुल पड़ोस भी आपका अपना घर होता है आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं तो एक अच्छे एक समावेशी ढंग से जो एक कंपोजिट कल्चर होता है उस तरह से परवरिश हुई आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई हमारी एजुकेशन शुरुआत में यहीं से हुई अयोध्या से हम लोग का अपना एक इंटर कॉलेज होता था वहाँ से हाई स्कूल किया फिर सेंट्रल स्कूल से केंद्रीय विद्यालय से ट्वेल्थ पास किया और फिर ग्रेजुएशन किया माइक्रोबायोलॉजी में फिर मास्टर्स किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो स्कूल में क्या टीचर आपको डांट पाते थे खूब हाँ, डांटते हाँ, थे, हाँ, थे हाँ। और खूब कड़ा अनुशासन था हमारे प्रिंसिपल का भी बहुत सख्त रवैया था आप इतने ग्राउंडेड हैं तो आप अपने को इतना ग्राउंडेड ग्राउंडेड कैसे रख पाए रहना ये तो प्रकृति का नियम है प्रकृति आपको जमीन से जुड़ना सिखाती है आपका साहित्य में बहुत इंटरेस्ट है तो साहित्य में इंटरेस्ट कैसे बना मुझे लगता है कि इंटरेस्ट जैसी बात नहीं कही जाए पैशन है जुनून है और मैं माइक्रोबायोलॉजी कर रहा था मेरे मन में था मेरे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हुए मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे तो मेरी माँ को लगता था कि मैं डॉक्टर बनूँ और परिवार की परंपरा में आगे बढ़ूँ लेकिन लिखते पढ़ते हुए साइंस बैकग्राउंड होने के बाद भी एक जो एक एक्सप्रेशन की एक फीलिंग आ गई थी पोइट्री लिखने लगा था शौक तो हाँ था पढ़ने का धीरे धीरे कब वो मेरी ज़िंदगी बन गया और कब मैं उसी में डूब गया मुझे खुद नहीं लगता पता नहीं आपने लता मंगेशकर जी के ऊपर बायोग्राफी कीजिए लिखी है तो वो कैसे वो लता जी थी? से पारिवारिक संबंध थे मानती थी बहुत आना जाना था और मैं लता जी का बहुत बड़ा फैन था तो मुझे लगा कि दीदी पे काम करना चाहिए तो लता जी के गाने मुझे बहुत प्रभावित करते थे बचपन से मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी तो घर में एक म्यूज़िक का भी संस्कार था तो इस बहाने लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि लता मंगेशकर से मुलाकात हो जाएगी तो और उनकी कृपा हुई उन्होंने माना और बुलाया सात साल मैंने उनको रिकॉर्ड किया अच्छा लगातार फिर उनसे बात करते हुए सात आठ साल की मेहनत से उनकी बायोग्राफी की और वो बहुत पसंद की गई लोगों ने बहुत पसंद किया आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं मैं बहुत यारबाश आदमी हूँ दोस्तों के साथ मस्ती करना बोलना बतियाना घूमना खाना पीना सोशियो पोलिटिकल सीन पे बात करना सामाजिकता निभाना मैं हाँ जिस घर से आता हूँ मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हाँ हैं शहर को लेकर के भी अयोध्या आपकी लाइफ में क्या महत्व रखता है आ, कोई भी किसी का भी जन्म स्थान जो महत्व रखता है अच्छा जो माँ का महत्व है हाँ हाँ। वो आपकी जन्मभूमि का महत्व है अयोध्या में जो डेवलपमेंट चल रही है जी इसके बारे में आपका क्या मुझे लगता है की एक जो एक जो एक वैष्णव सिटी का या जो एक रिलीजियस टाउन का एक कंसेप्ट होता है उसी कंसेप्ट अयोध्या थी आप जैसे मथुरा वृंदावन देख लें प्रयागराज चले जाएँ उज्जैन चले जाएं तो अयोध्या भी एक छोटा कस्बा नुमा शहर था फैजाबाद एक बड़ा हाँ। उसका तर, वो होता था डिस्ट्रिक्ट होता था तो उस लिहाज से कि यहाँ प्री कैपिटा इनकम बढ़ेगी यहाँ कुछ डेवलपमेंट होगा यहाँ पर कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनस आएंगे लोगों को रोज़गार मिलेगा एयरपोर्ट बन रहा है बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक शहर को जीने के लिए प्रगति के लिए वहाँ के लोगों के रहवास के लिए हैबिटाट के लिए आ, ये सब चीज़ ज़रूरी है ये ज़रूरी नहीं कि कॉस्मो कल्चर के लोग ही उस सुख को अवेल करें सिर्फ चंडीगढ़ बैंगलोर चेन्नई बॉम्बे दिल्ली ही क्यों उससे प्रिवलेज रहे अयोध्या बनारस रायपुर चिकमंगलूर छोटी शहर या छोटी जगहें क्यों ना उससे प्रभावित हों तो मुझे लगता है कि बढ़ेगा शहर का दायरा बढ़ेगा कल्चरल टूरिज्म आएगा रिलीज़स टूरिज़्म आएगा स्पिरिचुअल टूरिज्म आएगा क्रॉस कल्चरल कनेक्शंस होंगे डिफरेंट कंट्रीज से लोग आएंगे जाएंगे तो नए पीढ़ी का विकास होगा सोच बदलेगी और ये होगा तो बहुत अच्छी बात है मैंने आज ही देखा था मेट्रो जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन का वो मॉडल देखा था जी, जी, अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है हाँ पूरा सेंट्रलाइज ए में है शायद एस, जी, एसे जी, एसे जी. उसमें है। जब भी किसी जगह में कोई डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के लिए कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं कुछ लोगों को परेशानियां होती हैं तो जैसे किसी के घर रोड बन रही है तो घर टूट मतलब घर से उनको शिफ्ट किया जाता है तो ऐसे लोग कुछ लेके आए आ, मुझे लगता है कि वो वो एक प्रक्रिया है हाँ वो विकास की प्रक्रिया है विकास का मूल्य सबको चुकाना पड़ता है हमको भी और आपको भी आप अपना विकास करते हैं आप पढ़ने के लिए हॉस्टल जाते हैं घर से आप दूर होते हैं तो उस वो भी अपने परिवार की कीमत पे पड़ते हैं और उस स्टैंडर्ड एज में जाते हैं जिसमें आपको मदर फादर भाई बहनों की जरूरत होती है आप अकेले होते हैं लेकिन आप डेवलप होके आते हैं तो मुझे लगता है कि शहर अभी उस प्रोसेस से गुजर रहा है उस इनकोबेशन पीरियड में है कि दस पाँच साल बाद इसका चेहरा बदला होगा विकास हो रहा है राम मंदिर बन रहा है पूरी दुनिया की निगाहें हैं एक हिंदू पिलग्रम सेंटर बन रहा है वैष्णो सिटी बन रही है तो मुझे लगता है कि एक सामान्य जो यहाँ पे पेड़े बेचने वाला आदमी है या रामनवमी बेचने वाला आदमी है या जो जो छोटी छोटे कुटीर उद्योग में जीवन जी रहा है और अपना जीवन बना रहा है उसको भी जरूर से ज़्यादा मार्केट मिलेगी उसको एक्सपोजर मिलेगा उसकी आय बढ़ेगी आपकी फैमिली की लेगेसी हर कोई जानता है पर तो थोड़ा सा कुछ अपनी फैमिली की लेगेसी के बारे में फैमिली लेगेसी क्या बताऊँ राज परिवार का सदस्य हूँ हमारे पूर्वज में आ, मान सिंह दिजदेव हुए दुजदेव नाम से पोएट्री लिखते थे और रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि थे और समाज में प्रतिष्ठा रही है धर्मपरायण थे धार्मिक ट्रस्ट बनाया बहुत सारे मंदिर बनाए गुप्तार घाट पर मंदिर है सूर्य कुंड पर है मेरे घर में एक बड़ा शिवाला है कल्चरल ढंग से घर बहुत बढ़ा राजा साहब जो लास्ट थे उन्होंने अपने नाम से राजा दगनंबिका प्रताप नारायण सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया था उसके तहत एक इंटर कॉलेज रन करता है एक पब्लिक स्कूल रन करता है एक यहाँ का डिग्री कॉलेज है अकेला शहर का जो पुराना अब तो कई डिग्री कॉलेजेस खुल गए तो उसमें उसकी भूमि दान की थी अपनी लाइब्रेरी दान की थी तो समाज सेवा के कार्य किए एक है कि अयोध्या श्री राम से जाना जाता है उसके अलावा अगर अयोध्या की बात हो तो अयोध्या क्या है अयोध्या का जो मूल तत्व है वो तो श्री राम की नगरी होने का है राजा दशरथ के पुत्र हैं यहाँ अवतार लिया है जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक मामला है कि यहाँ पे जैन धर्म के पांच तीन थंकरों ने जन्म लिया अभिनन्दन नाथ अजित नाथ नाथ ऋषभ जी ने यहाँ गौतम बुद्ध गाते रहे गजेटियर्स में मिलता है उनके त्रिपिटकों में मिलता है कि अयोध्या में वर्षाबाद करते थे गुरु नानक देव जी आए गुरु गोविंद सिंह आए यहाँ पे अयोध्या में जैसे मैंने शुरू बोला मैं बोला था कि हम इंडिया पर रिसर्च कर रहे जी तो इंडिया में अगर कुछ इंप्रूवमेंट लाना हो इम्प्रूवमेंट के कुछ पॉइंट हम वो करें तो कौन से पॉइंट आपको मुझे लगता है सर सबसे बड़ी बात तो ये है हमें हर तरह का विकास चाहिए हमें हर तरह की सबसे अच्छी एजुकेशन चाहिए हमें वो जो एक नैतिक ना, चरित्र निर्माण जब तक नहीं करेंगे फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं है अब बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते अब मैं लास्ट उस पे आते हैं यतेंद्र जी आपके लिए क्या है भारत वट इज इंडिया मेरे लिए भारत एक ऐसा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है जिसमें एक अति साधारण और एक अति विशिष्ट के सारे अधिकार बराबर हैं भारत मेरे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से पश्चिम सारा सांस्कृतिक रूप से एक है आ, बहुत सारे विविध वर्णी रंग हैं कल्चर के परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिटरेचर के समाज के भाषा बोलियों के समुदायों के तीज त्यौहारों के सब कुछ मिला कर के एक ऐसा खूबसूरत कलरफुल एक डायमेंशन बनता है एक रेनबो है जिसमें हर जगह हर चीज़ की अपनी विशिष्टता है जहाँ पर मानव मात्र के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान से जीने के वो सारे रास्ते खुले हुए हैं जो संविधान हमें मुहैया कराता ये बात मुझे गौरव से भरती है थैंक यू जितेंद्र जी मुझे बहुत हेल्प मिलेगी मेरी रिसर्च में आपके जो इनपुट हुए आपके जो विचार जान के थैंक यू थैंक यू नमस्कार